भारत देश में अलग अलग तरह के त्योहार हैं। आप सब लोगों को पता होगा कौन से ऐसे त्योहार हैं जिसमें हमारे घर में मनाया जाता है। तो भारत होने के नाते भारत एक केवल ऐसा देश है जहाँ पे हजारों तरीके के त्योहारें मनाए जाते हैं। पूरे विश्व में भारत एक ऐसा केवल देश है जहाँ पे साल भर कोई ना कोई, हर महीना कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। तो आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कि हमारे भारत देश के कौन से वो त्योहार हैं जो बहुत फेमस है, और इनके अलावा भी हम लोग उन त्योहारों का इम्पोर्टेंस, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है और इस त्योहार का पुराना या पिछला कहानी क्या है या कहाँ से शुरू हुआ है, इसके बारे में हम लोग अब हम जानेंगे। तो ये पाठ का नाम है भारतीय त्योहार यानी कि इंडियन फेस्टिवल्स। तो मैं अभी कुछ आप लोगों को भारतीय त्योहार के नाम बताऊंगी, जैसे कि मकर संक्रांति, बैसाखी, विशु, क्रिसमस, रमजान, दिवाली, दशहरा। तो ऐसे बहुत सारे इंडियन फेस्टिवल्स हैं जहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरीके के तौर तरीके और अलग अलग किस्म के यहाँ पे क्यों मनाया जाता है इसके बारे में स्पष्टता मिल जाती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने पहले त्योहार की ओर। तो पहला त्योहार क्या है? पहला त्योहार है मकर संक्रांति। तो ये मकर संक्रांति क्या है? आप सब लोग अपने अपने घरों में मकर संक्रांति मनाते होंगे। ये त्योहार बड़ा ही फेमस है। मकर संक्रांति पूरे भारत में उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों तरफ मनाया जाता है, मगर दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में ये त्योहार बहुत ही फेमस है। तो ये त्योहार कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, आइए मैं अब बताती हूँ। तो मकर संक्रांति हर साल जनवरी महीने में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हर घर में सुख शांति और संपत्ति हो। तो ये त्योहार को नई फसल की कटाई का भी कहते हैं या नई फसल की उगाई। कटाई हो गए तुम्हारा बैसाखी का और नई फसल उगाई, ठीक है। यहाँ पे न्यू क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, इसीलिए ये त्योहार को सुख संपत्ति के नाम से दिया गया है। तो ये फेस्टिवल के दिन और कौन से महत्व है ये मैं आपको भी बताऊंगी। तो ये फेस्टिवल के दिन लोगों का ये मानना है यानी कि पुराने जमाने से ही मकर संक्रांति के दिन ये मानना है कि इस त्योहार के दिन उत्तरायण पुण्य काल शुरू होता है यानी कि अच्छा समय शुरू होता है, जिसमें मकर संक्रांति यानी कि मकर राशि जो है, मकर संक्रांति के दिन मकर राशि के अंदर सूर्य प्रवेश होता है, इसीलिए उत्तरायण पुण्यकाल का समय शुरू होता है। तो इस चीज का एग्जांपल मैं अब देती हूँ। तो आपको महाभारत के कई सारे किस्से पता है ना? तो उसमें भीष्म महापिता, ये कैरेक्टर आप सब लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म जी को बहुत ही चोट लग गया था और वो बड़े ही घायल हो गए थे। तो उनका स्थिति मरने की स्थिति तक पहुंच गया था, मगर वे मकर संक्रांति के दिन तक वेट करते रहे क्योंकि उस समय जो इंसान मरता है वहां मरण और जीवन के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो वे उसी दिन ही अपना अंतिम सांस लिए थे। तो यही था एग्जाम्पल उत्तरायण पुण्यकाल, जो कि मकर राशि के अंदर सूर्य का प्रवेश होता है। तो इसीलिए ये दिन को यानी कि मकर संक्रांति के दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यही था मकर संक्रांति के बारे में, जहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि मकर संक्रांति हर साल जनवरी महीने में मनाया जाता है और इस समय को शुभ माना जाता है, जहाँ पे दक्षिण भारत में मकर संक्रांति को बहुत ही उत्सुकता से मनाया जाता है।
अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और कौन से फेस्टिवल्स हैं। ठीक है।